बताइए कि एक सवाल मेरे पास आया था कि किस तरह से हमें महसूस हो कि हमसे रब राजी है, हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक कैफियत आती है कि बस परवरदिगार आलम तू ही है, तू ही हमारे सारे जितने भी अमूर हैं उसका तू ही सॉल्व करेगा प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। एक लम्हा आता है कि आप फील करते हैं कि यकीन है हमें अपने रब के ऊपर, लेकिन दूसरे लम्हे जो है ना, एक आपका जमीर कह लीजिए कि कोई है जो उसको झंझोड़ने की कोशिश करता है, उस कैफियत को आप क्या कहेंगे कि वो मतलब आप चल पड़े हैं उस राह पर, लेकिन कोई शैतान है या आपका नफ्स है जो आपको फिर से आपको जो ना दोबारा उस कैफियत से निकालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो चीज ये है कि नफ्स की कमजोरी। हाँ, तो उसकी आप बताइए प्लीज व्यूअर्स को कि नफ्स की कमजोरी को ओवरकम कैसे किया जाए। नफ्स की कमजोरी को चीज ये है कि क्या कहते हैं उसको, अगर हम हमसे पूछेंगे तो हमारा जो है माजरत के साथ दोबारा वो डिस्प्यूटेड सी टेरिटरी है। देखिए मसला ये है कि मैं वाले साहब को कोट करूंगा कि मेरे लिए इतना ही काफी है, कोई देख रहा है कोई सुन रहा है। हम जब किसी को पढ़वाते हैं और खुद तो पढ़ते हैं, वो तो छोड़ दें, ये नहीं कह सकते कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो एक अलग दास्तान बनेगी उसकी। एक चीज ये है कि जब दूसरे को पढ़वाते हैं तो जवाब आने लगता है, वजीफे में आवाज आती है, दिखाई देता है, और क्या कहते हैं ख्वाब में जवाब आने लगते हैं। एक दिन में तो जवाब आ जाता है, फैसले एक ही प्रयास एक वजीफे में फैसला हो जाता है कि यह काम होगा या नहीं होगा, एक वजीफे में फैसला हो जाता है, यानी कि ये हमारा सिलसिला ऐसा है। और इस जब आपको पक्का पता है कोई देख रहा है कोई सुन रहा है, सो देन व्हाट यू डू, यू बिकम कॉशियस, आपका नफ्स पक्का हो जाता है। और बाकी ये कि आम लोगों के लिए वही बात है कि बाखुदा दीवाना बाशबा शरीयत होशियार, अल्लाह की राह में पागल हो जा जैसे मेरे दादा हुए थे, और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होशियार रहना, क्योंकि वो नफ्स कमजोर करवा देती है। जब वो कमजोर हो, जब शरीयत कमजोर होगी तो फिर नफ्स आपकी कमजोर हो जाएगी।